हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए सेवरा, मेरा जो धनिया सब इतना धूपा है, जो देखिए किस तरह से मुरझाया गया है, और ये इधर सब ये भी जल गया है। सिमी हम देखिए अर्बुद का छाया में रखे हुए हैं सारे प्लांट को, ये सबको, फिर भी ये देखिए किस तरह से हो जा रहे हैं। अब चलिए धनिया हार्वेस्टिंग भी करते हैं, और उसमें हम इस गमले में धनिया उगाते भी हैं। इसको अब क्या करना है, ऐसे तो आप रात में फूलने के लिए डाल दीजिए और सुबह इसको डालिए। मैं इसको इसी तरह से इसको थोड़ा सा दरदरा कर देना है। दरदरा करने के बाद इनको इस तरह से कर और पानी डाल देना है। और मिट्टी से उनको ढक देना। अब चलिए इनको हम फुदीना और सारे को हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से चटनी पीसने के लिए इसमें बहुत ज़रूरत है पुदीना का, क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है ना, ये पेट को ठंडक देते हैं और हर पेट में हर गर्मी को राहत देते, ये बहुत फायदेमंद है गर्मी में। इसे भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। इतना खुशबू है ना, पूरा हाथ और काटते ही एकदम पूरा खुशबू दे रहा है। इतना ही घर का धनिया का बात ही कुछ और रहता है। और इसमें से फिर जब मैं कट कर दी हूँ ना, इसमें से फिर नए नए रूट निकल कर तो फिर ये 5-6 दिन में काटने लायक तैयार हो जाते हैं। गर्मी का दिन है इसलिए थोड़ा सा ही, जो कि शाम तक ख़त्म हो जाए काफ़ी है इतना। और इसमें मैं अपनी बगिया का मैंगो डालूँगी ना, काफ़ी है। अब इसको कल तो कट करूँगी, और थोड़ा सा पानी इसको डाल देते हैं। मिर्चियाँ तोड़ लेती हूँ। देखिए इधर इसको तोड़ लेती हूँ, और तोड़ कर चलिए अब चटनी बनाते हैं। ये दूसरे दिन सारे कट करके इस तरह से कर दी हूँ। देखिए सारे कट कर ली, और अब इनको यूज़ करूँगी, आज ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ये, और ये 5-6 दिन में आराम से सारे रूट निकल कर इसमें से पत्तियाँ देना स्टार्ट कर देंगे।